हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो यस्टरडे हमने क्या डिस्कस किया था? फॉर्मूला, जो ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उनके फॉर्मूले डिस्कस किए थे। तो आज हम एक नई चीज़, जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे है ना, वो सारे फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हम एक्सरसाइज वाली वीडियो बना रहे हैं है ना। एक्सरसाइज करेंगे 2.1, इसके सारे क्वेश्चंस मैं लगभग करवा दूंगा, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ूंगा ताकि आप भी उसमें ट्राई कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स जो आपने बनाए हैं उनको अप्लाई करना सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1। चलिए 2.1, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, उस शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प लेके हम फटाफट इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू, क्वेश्चन क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको कहा था जब कभी नेगेटिव आ जाता है साइन इनवर्स में तो हम क्या करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं। हाफ किसकी वैल्यू होती है? π/6 की वैल्यू। तो आंसर आ जाएगा -π/6। तो ये -π/6, ठीक है। यह देखिए cos √3/2, √3/2 किसकी वैल्यू होती है? ये भी 30 डिग्री, मतलब π/6 आंसर। यहाँ देखिए cosec inverse 2, यहाँ पर थोड़ा सा हमें दूसरा कलर लेना पड़ेगा, वाइट कलर लेना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, cosec inverse 2, तो देखिए sin ऑफ 30 की वैल्यू होती है, ये भी आंसर आ जाएगा π/6। क्लियर, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ चलते हैं, यहाँ देखते हैं इसकी वैल्यू, टेन इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है? 10 में √3 किस में किसकी वैल्यू होता है? 10 60 की वैल्यू √3 होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे -π/3। ओके, यहाँ पर कोस इनवर्स -half, हमें यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ हमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, पाई माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, पाई माइनस करेंगे। तो पाई माइनस, अब देखिए cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, इसको लिखेंगे π/3। तो π/3 मतलब 2π/3 आंसर इसका। ठीक है, आगे देखिए, इसको देखते हैं तो बहुत आसान है ये तो। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका आंसर, 10 inverse -1 -π/4, ये -π/4। सभी को समझ में आ रहा है? देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए sec किसका उल्टा था? cos का। तो ये भी आंसर कितना आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। या cot 30 की वैल्यू √3 होती है। ठीक है, 30 को क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इसमें जाना पड़ेगा आपको सेकंड क्वाड्रेंट में। तो पाई माइनस कितना करना पड़ेगा, पाई माइनस 1/√2, π/4। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें π/4। तो ये π/4, तो कितना जाएगा, 3π/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा हम सोल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 11 को मैं यहाँ प्रॉपर सोल्व करके बता रहा हूँ। देखिए 10 inverse 1 की π/4, ये हो गया π/4। इसको हम थोड़ा सा हटा के सही लिख देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11। सो 10 inverse 1 π/4 होता है। ठीक है, इसके बाद में cos इनवर्स -half, ये कितना होता है, प्लस पाई माइनस, ये हाफ 60 वैल्यू, 60 मतलब π/3 होता है। ठीक है, और साइन इनवर्स हाफ मतलब -π/6 होता है। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसका एलसीएम लेंगे, 12 एलसीएम आएगा, 4 3 12, 3π यहाँ आ गया, यहाँ पर आएगा आपका 12π, माइनस यहाँ आएगा 4π, यहाँ आएगा 2π। इसको सोल्व करते हैं तो कितना होगा, देखिए ये 6π, ओके 6π यहाँ से गया, तो 6π है, तो 9π/12, ओके 9π/12 को हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ लिख देते हैं 9π/12। इसको किससे कट करेंगे, 3 से कट कर सकते हैं, 3 और ये कितना जाएगा, 4। सो 3π/4 इज माई करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 11। सी क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो cos inverse half किसकी वैल्यू होती है, ये 60 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री को लिखते हैं हम π/3, ये होता है, देखिए प्लस 2 लिखा, साइन
हाफ साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स हाफ किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 30 डिग्री, 30 डिग्री को पाई बाय 6 लिखेंगे, यहाँ से इसको कट गया तो 3, तो आंसर आ गया 2π/3। ठीक है, क्लियर। देखिए बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पर ऑप्शन है, ये 13th क्वेश्चन देखेंगे, साइन इनवर्स x इक्वल टू y है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसकी रेंज निकालनी है, x की इनकी y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, मतलब इसका रेंज क्या होता है। तो साइन इनवर्स की रेंज कहाँ होती है, ये होती है साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से +π/2 और क्लोज ब्रैकेट में ये आंसर आएगा हमारा, कौन सा, ये आंसर, ये सेकंड बी आंसर आ जाएगा हमारा, ये बी। ठीक है, इसके अलावा इसकी वैल्यू निकालनी क्वेश्चन नंबर 14, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, टेन इनवर्स रूट थ्री वैल्यू होती है पाई बाय सिक्स, ये 60 डिग्री होती है, पाई बाय 3 हो गया। ठीक है, और सेक इनवर्स हमें पाई समथिंग करना पड़ेगा, तो माइनस कर दिया पाई माइनस, अब सेक यानी कि सेक कोस का उल्टा होता है, कोस हाफ 60 डिग्री की वैल्यू होती है, 60 को लिखेंगे अपन पाई बाय है ना 3 लिखेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो पाई बाय थ्री माइनस ये हो जाएगा टू पाई बाय थ्री, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस पाई बाय थ्री इज अ करेक्ट आंसर, जहाँ पर भी माइनस पाई बाय थ्री आ रहा है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट आंसर। क्लियर, सो ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी मैंने आपको सोल्व करवा दी है, बहुत आसान एक्सरसाइज है ना, इसके आंसर चेक कर लीजिए, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में लिखिए आप। नेक्स्ट, यस, अब मजेदार क्वेश्चन, ये तो 2.1 एक्सरसाइज बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी, अब क्वेश्चन से मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब ये चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें आपको मैंने पढ़ाया बताया कि इस चैप्टर में 4 टाइप के क्वेश्चन हैं, पहला प्रिंसिपल वैल्यू निकालना जो मैंने पूरी एक्सरसाइज आपको करवाई है, दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, थर्ड है फाइंड द वैल्यू, ओके, एंड फोर्थ इज प्रूव दैट। तो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं या प्रूव दैट, ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आ गया, तो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्लियर, चलिए यहाँ पर इसको लेना पड़ेगा, चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं सोल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सोल्व कर रहा हूँ, देखिए फर्स्ट पार्ट, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स 2x √1 − x², याद करिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था रूट के अंदर 1 − x² आ जाए तो हम x की जगह साइन थीटा या कोस थीटा पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि साइन थीटा पुट करूँ या कोस थीटा, तो देखिए एक्चुअली साइन यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू साइन थीटा पुट करूँ या कोस थीटा पुट करूँ, ये डिपेंड्स ऑन दिस कंडीशन, ये जो कंडीशन होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है, इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन हमें एग्जाम में ये ध्यान नहीं रखना है, ये ध्यान नहीं रखना है, हमें ध्यान कैसे रखना है कि क्या प्रूव करना है, उसके हिसाब से मैं ये चीज बता रहा हूं कि हमें साइन इनवर्स एक्स प्रूव करना है, इसलिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम एक्स की जगह साइन थीटा पुट करेंगे, और यहां पर क्या पुट करेंगे, इस क्वेश्चन में एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, कोस थीटा पुट करेंगे, करेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हमें एग्जाम में ये चीज याद नहीं रहेगी डेफिनेटली, आप इसको देखकर यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि साइन इनवर्स, ठीक है, ये है 2x √1 − x² की वैल्यू हमें प्रूव करनी है 2 sin inverse x, सो हम क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं x की जगह साइन थीटा पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ का LHS लिया हमने, LHS में हमने ये पुट करी है वैल्यू, तो साइन इनवर्स ये कितना हो जाएगा 2 sin θ √1 − sin²θ। चलिए आगे सोल्व करते हैं, साइन इनवर्स दिस इज 2 sin θ एंड वी नो दैट 1 − sin²θ इज cos²θ एंड वी ऑल्सो नो दैट स्क्वायर इज कैंसल आउट फ्रॉम द स्क्वायर रूट, सो साइन इनवर्स 2 sin θ एंड cos θ विल कम, वी कैन से दैट साइन थीटा कोस थीटा वी कैन राइट साइन 2θ, तो साइन इनवर्स क्या बन जाएगा, ये
साइन टू थीटा बन जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स साइन थीटा से कब कटता है, जब उसका एंगल उसकी प्रिंसिपल ब्रांच में होता है। तो डेफिनेटली ये टू थीटा जो है इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में होगा, मैं आपको करके बताऊंगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये टू थीटा आ जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स पुट कर सकते हैं। तो देखिए इस चीज़ को हम यहाँ पुट कर लेंगे, सो कितना आ जाएगा आंसर मेरा, टू साइन इनवर्स एक्स आ गया, दिस इज एच पी। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको मैं बताता हूँ कि ये टू थीटा इस साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच में है या नहीं, इसका क्लियरिफिकेशन मैं आपको देता हूँ। ठीक है, हमारे पास देखिए माइनस वन अपॉन रूट टू इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन अपॉन रूट टू। आपने एक्स की जगह क्या पुट किया, एक्स की जगह साइन थीटा पुट किया, तो यहाँ पर भी हम एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर लेते हैं। सो यह है हमारा साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू वन अपॉन रूट टू। ओके क्लियर। अब मैं यहाँ पर साइन इनवर्स से इस पूरी इनक्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स माइनस वन अपॉन रूट टू इज लेस देन कितना हो गया, साइन इनवर्स साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू। ये प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये लिख सकते हैं माइनस पाई बाई फोर इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ लिख दिया हमने थीटा इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर लिख दिया हमने पाई बाई फोर। देखिए मुझे टू थीटा चाहिए, इसलिए हमने क्या कर दिया, टू से इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना जाएगा माइनस पाई बाई टू इज लेस देन कितना जाएगा टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय टू। देखिए ये क्या है, इट इज़ अ प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ द साइन इनवर्स एक्स है या नहीं। देखिए प्रिंसिपल ब्रांच आ गई है इसकी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये टू थीटा साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो साइन इनवर्स साइन से ख़त्म होगा, इसलिए इसकी वैल्यू टू थीटा ही है और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स पुट करी है, तो ये प्रूव हुआ है। क्लियर, यदि आप यहाँ पर इस पहले वाले क्वेश्चन में एक्स की जगह कॉस थीटा पुट करते तो कॉस थीटा इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं आता है, मतलब ये जो टू थीटा है साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं आता। इस वजह से हम यहाँ पर चाहकर भी कॉस थीटा नहीं पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये प्रोसेस एग्जाम में करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, हम नहीं करेंगे ये प्रोसेस, केवल आपको याद रखना है। क्योंकि देखिए बेटा, आप ये प्रोसेस करेंगे तब भी आपको यदि क्वेश्चन टू मार्क का है तो टू मार्क ही मिलने वाला, और नहीं करेंगे तब भी टू मार्क ही मिलने वाला है, आपको तीन मार्क कोई भी नहीं देगा। इसलिए फोकट में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे कि हमें जो प्रूव करना है उसके हिसाब से उसमें पुट करके उसकी वैल्यू प्रूव करेंगे। क्लियर, सो आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन सेकंड वाला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसमें एक्स की जगह कॉस थीटा पुट करेंगे तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन है ही सही आपके पास, उसमें कमेंट करिए, डेफिनेटली आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी प्रूव करना है हमें, और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला भी मैं आपको डिस्कस करूँगा यहाँ पर और इसको सोल्व करूँगा। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं, है ना। तो इसने LHS लिया, इसका LHS है हमारे पास 10 इनवर्स हाफ प्लस 10 इनवर्स 2 बाय 11। देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, देखिए फॉर्मूला मैं आपको लिख के बता रहा हूँ कि यहाँ पर लग रहा है 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई इज इक्वल टू, क्या होता है कि 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर, इस फॉर्मूले में हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 1/2 पुट करेंगे, वाई की जगह 2/11 पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पुट करते हैं 10 इनवर्स एक्स की जगह पुट किया हमने 1/2, वाई की जगह हम पुट करेंगे 2/11। ठीक है, 2/11, ये 2/11 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। देखिए मैं यहाँ पर कट नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एलसीएम कट हो जाएगा, इस वजह से थोड़ा
आपको अपना दिमाग लगाना है कैलकुलेशन करने में, यहाँ आएगा एलसीएम 22, ठीक है। यहाँ पर आएगा, यहाँ देखिए 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11, 11 को 1 से मल्टीप्लाई 11 आएगा, और 11 को 22 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम 2 4 डिवाइड बाय 1 माइनस 2 डिवाइड बाय 22। क्लियर, समझ में आया बेटा आप लोगों को? देखिए आगे चलिए। अब यहाँ पर देखिए नीचे वाले का डिनोमेटर का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सो ये 10 इनवर्स आएगा, 10 इनवर्स है ना, 10 इनवर्स यहाँ पर हो गया 15 डिवाइड बाय 22 डिवाइड बाय, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 22 माइनस 2 डिवाइड बाय 22, ये क्लोज, ये 22 से ये 22 कैंसिल आउट, हमारा जो आंसर है वो कितना आया है, 10 इनवर्स 15 डिवाइड बाय 22 में से 2 माइनस किया तो 20, इसको कट शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 5 से कट शॉर्ट कर सकते हैं, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, सो 10 इनवर्स कितना आ गया, 3/4, यही मेरा RHS है, यही प्रूव्ड है। क्लियर, आसानी से समझ में आ गया है बेटा आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन लगता है बच्चों को, लेकिन मेरी नज़र में ये मुश्किल नहीं है, ये आसान क्वेश्चन है, बस करना क्या है आपको, वीडियो को देखना है, अच्छे से सुनना है, और एक कमरे में बैठकर पढ़ना है, ठीक है। ऐसा एक, चलो आज चलते चलते वीडियो सुन रहे हैं, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन यदि हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें वो क्वेश्चंस नहीं आएगा, ओके। तो सिंपलेस्ट फॉर्म बहुत आसान है, लेकिन शर्त ये है कि आपका दिमाग उस लेवल पे चलना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको फॉर्मूले सब याद होने चाहिए। इलेवेंथ क्लास में हमेशा बात करता हूँ इलेवेंथ क्लास की, क्योंकि इलेवेंथ बेस है, यदि इलेवेंथ अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत आएगी बेटा, मैं श्योर कह रहा हूँ आपको, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ, ठीक है। देखिए, सो यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, किसको करना है, देखिए 10 इनवर्स कॉस एक्स अपॉन, ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये एक्सप्रेस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। देखिए कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करना, देखिए अपना दिमाग लगाना है ना, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको होगी, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपने कैसे सोच लिया ऐसा, अरे भाई मैंने प्रैक्टिस करी है, बहुत प्रैक्टिस करी है, तो आप भी प्रैक्टिस करिए, आपके दिमाग में भी ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें आ जाएगी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आएगा, क्लियर। सो कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूले हैं कॉस एक्स, देखिए कॉस टू एक्स का फॉर्मूला क्या है, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और लास्ट फॉर्मूला है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, चार फॉर्मूले होते हैं। अब हाफ एंगल का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, और हमें क्या करना है, क्योंकि साइन और कॉस इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉस एक्स को क्या लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ आप, मैं क्या पुट कर रहा हूँ, है ना, कॉस एक्स को हम लिखेंगे यहाँ पर, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कितना करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। आप कहोगे कि एक्स बाई 2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ एक्स है तो हाफ एंगल फॉर्मूला लग रहा है। अब यहाँ पर 1 की जगह तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, मैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 भी लिख सकता हूँ, मैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 4 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत किसकी है, हाफ एंगल की, इसलिए 1 की जगह मैं लिखूंगा यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये लिखूंगा, और मुझे पता है साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ, मैं साइन एक्स को लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ। चलिए सारी वैल्यू इसमें पुट करते हैं और इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। 10 इनवर्स यहाँ लिखा कॉस एक्स की जगह, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन, इस 1 की जगह हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और इस साइन की जगह लिख दिया मैंने 2 साइन एक्स बाई 2
और cos x by 2, cos x by 2। देखिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा इसको, सिंसियरली आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि यहाँ पर कुछ कुछ फॉर्मूले बन रहे हैं। कुछ कुछ फॉर्मूले कौन से बन रहे हैं, ऊपर बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पर लिख सकते हैं देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बन रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख रहे हैं, चलिए बताता हूँ आपको टेन इनवर्स, ठीक है। यहाँ लिखा हमने कॉस, थोड़ा ब्रैकेट बड़ा लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आए, ये ब्रैकेट बड़ा लगा दिया, तो यहाँ लिखेंगे अपन कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू मल्टीप्लाई कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाय। अब देखिए यहाँ पर मैं साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, या कॉस एक्स बाई टू प्लस सॉरी कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। फिर से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे क्योंकि ऊपर कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू है तो मुझे इसको भी ऐसा ही लिखना पड़ेगा, तो हमने क्या लिख दिया कॉस एक्स बाई टू माइनस कितना कर दिया साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक चीज़ यहाँ से ख़त्म हो गई, ये पूरी की पूरी एक चीज़ यहाँ से ख़त्म हो गई, ये दो ब्रैकेट हैं, एक ब्रैकेट नीचे से ऊपर ख़त्म हो गया, बचा क्या आपके पास, बचा है टेन इनवर्स, ठीक है, ये बचा हमारे पास टेन इनवर्स, इस ब्रैकेट को लगा दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख दिया हमने कॉस एक्स बाई टू बचा है और प्लस कितना आ जाएगा साइन एक्स बाई टू बचा है, डिवाइड बाय नीचे बचा है हमारा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, क्लियर। देखिए फिर भी हमें सिंपलिस्ट फॉर्म नहीं मिली अभी, तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से न्यूमरेटर से हम कॉस एक्स बाई टू कॉमन लेंगे, नीचे से भी कॉस एक्स बाई टू कॉमन लेंगे, तो देखिए यहाँ पर टेन इनवर्स, ठीक है, यहाँ लिख देंगे कॉस एक्स बाई टू हमने कॉमन लिया यहाँ से, यहाँ बचेगा हमारा, ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा कॉस एक्स बाई टू कॉमन लिया, सो कॉस एक्स बाई टू कॉमन लिया तो यहाँ वन बच जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा टेन एक्स बाई टू, क्यों आएगा क्योंकि साइन अपॉन कॉस कितना होता है टेन होता है, डिवाइड बाय इधर भी हम क्या करेंगे कॉस एक्स बाई टू कॉमन लेंगे तो वन माइनस कितना आ जाएगा टेन एक्स बाई टू आ जाएगा, ठीक है, ये कॉस एक्स बाई टू से कॉस एक्स बाई टू ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए इस वन की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख रहे हैं अपन टेन इनवर्स, यहाँ लिखा हमने वन की जगह लिखा टेन पाई बाय फोर प्लस ये लिख दिया हमने टेन एक्स बाई टू अपॉन, ये वन की जगह वन ही लिखेंगे और हर एक फंक्शन के साथ वन मल्टीप्लाइड होता है, तो इस वन की जगह अपन टेन पाई बाय फोर लिखेंगे, तो ये माइनस ये कितना कर दिया टेन पाई बाय फोर और टेन कितना कर दिया एक्स बाई टू, क्लियर, ये टेन एक्स बाई टू हमने कर दिया यहाँ पर टेन एक्स बाई टू। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ऐसा क्यों किया, तो मेरा फॉर्मूला बन गया आपके पास, देखिए टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा टेन इनवर्स, ये हो गया टेन है ना टेन, ये हो गया हमारा पाई बाय फोर प्लस कितना आ जाएगा एक्स बाई टू, ठीक है, ये एक्स बाई टू आ गया एक्स बाई टू, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, देखो टेन इनवर्स से टेन खत्म हो गया। अब मैंने जो बताया वही रूल है कि टेन इनवर्स टेन से कब खत्म हो सकता है, जब ये उसकी प्रिंसिपल ब्रांच में है, तो डेफिनेटली ये उसकी प्रिंसिपल ब्रांच में है, हम चेक कर सकते हैं इससे, लेकिन हमें एग्जाम में चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा जो सिंपलेस्ट फॉर्म है आंसर है ये पाई बाय फोर प्लस कितना कर दिया एक्स बाई टू, ये हर एक क्वेश्चन में आता है, डेफिनेटली आता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ये आंसर है हमारा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, मैंने आपको बताया था ये सारे टॉपिक्स में क्लियर कर चुका हूँ, है ना, बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ, थोड़ा सा आप पुराने वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें मैंने करवा दी है, कि जब भी
रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन आता है तो हम सेक थीटा या कोसेक थीटा पुट करते हैं। यहाँ सेक थीटा पुट करना पड़ेगा है ना, चेक करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ कोट बन रहा है तो वो सेक से ही बनेगा। तो ये सिक्स एग्जाम्पल मैं सोल्व कर रहा हूँ, इसको देखिए आप। एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह हम सेक थीटा पुट करेंगे। सो क्या बनेगा, देखिए कोट इनवर्स वन अपॉन रूट ऑफ, यानी कि कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। फॉर्मूला बताया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को टेन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो क्या लिख दिया हमने, कोट इनवर्स यहाँ लिखा वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा लिखा, टेन स्क्वायर थीटा लिखा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स ठीक है वन अपॉन, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये टेन थीटा बन जाएगा, ठीक है। और देखिए आप, हाँ कोट इनवर्स और ये कोट थीटा बन गया, क्योंकि वन अपॉन टेन थीटा कोट थीटा होता है, ये खत्म हो गया, यहाँ पर आ गया थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखिए थीटा की वैल्यू यहाँ से देखिए आप क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, आंसर आ गया मेरा सेक इनवर्स एक्स, दिस इज माय सिंपलेस्ट फॉर्म। चलिए इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से करते हैं है ना, और प्रूव करते हैं इस क्वेश्चन को भी, ये प्रूव वाला क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर हम लाइन खींच देते हैं इसकी, ओके अच्छे से समझ में आ रहा है ना बच्चों। चलिए देखिए यहाँ पर प्रूव करना है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर आ जाए। तो हम LHS लेंगे और RHS प्रूव कर देंगे, ठीक है, LHS लेंगे और RHS प्रूव कर देंगे। तो हमने LHS लिया, LHS क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स है ना, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर को हमें प्रूव करना ही है। तो हम क्या लगाएंगे, सिंपल है, हम लगाएंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। तो चलिए आपको फॉर्मूला याद भी हो गया होगा, टेन इनवर्स एक्स, एक्स का मतलब एक्स, प्लस वाई मतलब यहाँ पर दे रखा है टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स, एक्स की जगह एक्स है और वाई की जगह टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से देखिए है ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो सिंपल है, हम ऊपर का एलसीएम लेंगे। बस स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, यानी कि जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में वो प्रॉब्लम कर लेते हैं, या उनका बेसिक जो है वो कंप्लीट नहीं होता है एलसीएम लेने में। तो भैया वो कंप्लीट करिए पहले, ठीक है, फिर आप ट्वेल्थ क्लास में आइए, अदरवाइज़ दिक्कत आएगी, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो हमने एलसीएम लिया न्यूमरेटर का, वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया और टू एक्स एज इट इज लिख दिया, और ये ब्रैकेट हम क्लोज करने वाले हैं, क्लोज कर रहे हैं है ना, ये क्लोज कर दिया, ठीक है। अब डिवाइड, डिवाइड चल रहा है, डिवाइड चल रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये भी एलसीएम आ गया, वन माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया, एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वन माइनस एक्स स्क्वायर से वन को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर माइनस टू एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। देखिए ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ऊपर वाले को सोल्व करना है, तो देखिए सोल्व करते हैं, टेन इनवर्स यहाँ पर एक्स माइनस कितना हो गया, एक्स क्यूब हो गया, ठीक है, और प्लस कितना आ जाएगा, टू एक्स अपॉन यहाँ पर कितना हो गया, देखिए वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, आ गया हमारा आंसर। देखिए टू एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, थ्री एक्स हो गया, आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स ठीक है ये कितना हो गया, थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा RHS है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम एक्सरसाइज पे आ गए हैं है ना, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ूंगा भी सही, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस कब होगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन करवा देता हूँ, इसका पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, थ्री साइन इनवर्स एक्स को हमें प्रूव करना है, साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर RHS लेंगे, क्या लेंगे अपन, RHS और LHS, RHS लेंगे और प्रूव करेंगे LHS, क्लियर। ये RHS लिया हमने, RHS में क्या है, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स यहाँ पर है x माइनस
फोर एक्स क्यूब। एक पते की बात बताता हूँ, है ना, कि जब कभी भी साइन इन्वर्स है तो अंदर मुझे साइन लाना है ना। तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर दूंगा। तो साइन थीटा पुट कर दूंगा तो क्या बनेगा, देखिए साइन इन्वर्स ये होगा 3 sin θ माइनस 4 sin³θ। चलिए आप 11th क्लास में चलिए और ये फॉर्मूला है sin³θ का। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन इन्वर्स और साइन थ्री थीटा। सो साइन थ्री थीटा, यहाँ से साइन इन्वर्स से साइन ख़त्म हो जाता है, यहाँ आ जाता है हमारा 3θ। और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देख सकते हैं तो क्या होएगा, साइन इन्वर्स एक्स आया। तो यहाँ पर कितना का 3 sin³x, यही तो प्रूव करना था और यही हमारा LHS है, ये LHS आ गया। तो आसान है। तो और ये भी नहीं, ये इसकी कंडीशन दे रखी, डेफिनेटली ये 3θ इसकी प्रिंसिपल, इसमें x की जगह 3θ पुट करके देखूंगा तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में 100% आएगा, आप करके देख लीजिएगा। लेकिन एग्ज़ाम में हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम में लिमिटेड टाइम होता है। यदि आप करने बैठ गए तो भैया वो खुश होके, एग्जामिनर खुश होके आपको 4 में से 5 नंबर नहीं देगा, डेफिनेटली नहीं देगा, ये फिक्स है, ठीक है। तो थोड़ा आप ट्रिकी काम करें। सेकंड वाले क्वेश्चन में आप आराम से कर सकते हैं, एक्स की जगह कॉस थीटा पुट करेंगे क्योंकि कॉस इन्वर्स आगे आ रहा है तो अंदर कॉस लाना है, ठीक है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको अभी करवाया ही है, आप कर सकते हैं, इसमें टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई का फॉर्मूला लगेगा। चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर क्यों टू टेन इन्वर्स हाफ है, इसलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 को मैं करवा रहा हूँ। क्या कह रहा है ये, LHS लिया है मैंने इसका, LHS है हमारा 2 tan inverse half प्लस यहाँ पर है 10 inverse 1/7, ठीक है। अब जब तक ये 2 यहाँ से गायब नहीं होगा तब तक हम इसका कुछ इलाज नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है 2 tan inverse x का इन टर्म्स ऑफ 10। देखिए मैं लिख रहा हूँ 2 tan inverse x को क्या लिख सकते हैं इन 10 में, तो लिख सकते हैं 10 inverse 2x अपॉन 1 - x². तो इस फॉर्मूले से सबसे पहले ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, खोलेंगे इसको, फिर उसके बाद में सारा काम करेंगे, ठीक है। तो ये x² आता है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 10 inverse यहाँ पर क्या लिख दिया, 2 × 1/2 अपॉन 1 - 1/2² ठीक है, आई बात समझ में। और 10 inverse 1/7 as it is, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 2 से 2 ख़त्म हो गया। LCM लेंगे इसका भी, है ना, यहाँ पर मैंने एक पार्टीशन कर दिया। तो 10 inverse कितना हो गया, यहाँ ऊपर आ गया 1 अपॉन, यहाँ देखिए 4 - 1 अपॉन कितना जाएगा 4, ठीक है, क्लियर है बेटा, ओके। यहाँ बिल्कुल एज इट इज़ है हमारा 10 inverse 1/7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 ऊपर जाएगा और ये 3 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 10 inverse 4 / 3 प्लस कितना बन गया 10 inverse 1/7। अब यहाँ पर 10 inverse x + 10 inverse y का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो 10 इन्वर्स ये हो गया हमारे पास, थोड़ा सा आज पेन ऐसे चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 10 इन्वर्स यहाँ पर कितना जाएगा 4/7 प्लस 1/7 अपॉन 1 - 4/3 × 1/7। इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए यहीं पे मैं सोल्व कर रहा हूँ इसको, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 21 LCM आएगा ऊपर वाले का, तो कर लेते हैं 21 LCM। तो यहाँ पर आया 21 LCM, ठीक है, और 7 × 4 जा कितना हो जाएगा 28 प्लस यहाँ पर कितना जाएगा 3 डिवाइड बाय, यहाँ पर भी 21 आएगा तो 21 - 4 कर लेंगे, 21 - 4 डिवाइड बाय 21, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये 21 से 21 तो कैंसिल आउट हो गया, अब ये कितना बचा,
यहाँ पर थ्री है, ये थ्री यहाँ है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको थोड़ा आगे, इधर ही सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इधर ही सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सो टेन इनवर्स कितना आएगा यहाँ पर, 28 + 3 28, 29, 30, 31 31 आएगा, ठीक है। तो ये 31 तो ऊपर आ गया, डिवाइड बाय, ठीक है। और यहाँ पर जाएगा, देखिए 21 में से 4 को हम माइनस करेंगे, 21 में से 4 को माइनस करते हैं तो 17, 18, 19, 20, 21 17 रहेगा, तो ये 17 आ जाएगा। तो क्या ये मेरा RHS है? वाओ, वेरी गुड, ये आ गया मेरा RHS, तो ये प्रूव हो गया, इट इज़ RHS, तो हमने प्रूव कर दिया। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी बात नहीं है इनमें। चलिए अब आगे देखिए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सब कुछ बताया बेटा, एक भी चीज़ मैंने छुपाई नहीं है आपसे, मैंने अपने आप को आपके सामने खोल के रख दिया है। जितना मुझे आता है मैंने आप में डिलीवर करने की कोशिश की है और कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक आप अचीव नहीं कर लेते अपने गोल को, ठीक है। मैंने बताया आपको कि रूट ऑफ 1 + x² आए चाहे विदाउट रूट में आए, एक्स की जगह 10 थीटा पुट करना है, वो ही करना है, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये क्वेश्चंस करवाता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है 10 inverse √(1 + x²) - 1/x) है। चलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा कि 10 inverse √(1 + x − 1/x). एक बार फिर से चेक करेंगे क्योंकि क्वेश्चन यदि गलत हुआ तो दिक्कत आएगी। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, चलिए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम करते हैं, ठीक है। सॉरी, ये x² है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 10 थीटा पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 10 थीटा पुट करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, तो 10 inverse यहाँ पर √(1 + कितना कर दिया, 10² θ - 1/ ये पुट कर दिया हमने, 10 थीटा, क्लियर। 1 + 10² θ सभी लोग जानते हैं 6² θ होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया हमने 6² θ - 1/ कितना कर दिया, 10 थीटा पुट कर दिया। आप ये पता ही है कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 10 inverse, ये बना आपका हमारा sec θ - 1/10θ। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के अलावा, चलिए साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया 10 inverse, ठीक है। 1/cos लिखा इसको हमने, 1/cos θ लिखा है ना, 1/cos θ - 1/ नीचे लिख दिया हमने sin θ / cos θ, ठीक है। न्यूमरेटर का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, सो ये बना हमारे पास 10 inverse (1 - cos θ / cos θ) और नीचे बन गया हमारे पास sin θ / cos θ, ठीक है। ये cos θ ख़त्म। अब यहाँ पर क्या आया हमारे पास कि 10 inverse (1 - cos θ / sin θ) आया, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती कि भी सिंपलेस्ट फॉर्म तो कन्वर्ट हुई नहीं है, अब हमें क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया कि 10 inverse बाहर है तो 10 θ अंदर लाना है, तो हमें इसको कन्वर्ट करके 10 में कन्वर्ट करना है। तो हमें, हमारे पास फॉर्मूला है कि 10 inverse यहाँ लिखा हमने, 1 - cos θ को लिख सकते हैं 2 sin²θ/2, और sin θ को लिख सकते हैं 2 sin θ/2 cos θ/2। सो 2 से 2 ख़त्म, 1 sin से 1 sin ख़त्म, तो ऊपर 1 sin बचा हुआ है, तो 10 inverse ये कितना हो गया, 10 θ, लिख लेता हूँ एक बार पहले आपको जल्दी, हाँ तो लिख सकता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 θ/2 आ गया। देखिए ऊपर sin θ/2 नीचे cos θ/2, तो कितना बन जाएगा, ये 10 θ/2 बन जाएगा, 10 θ/2। देखो 10 inverse 10 से ख़त्म हो गया, कितना जाएगा, θ/2 आ गया। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं कि 10 inverse x लिख सकते हैं। ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, तो मेरा आंसर आएगा कि हाफ बाहर लिखा और ये 10 inverse कितना कर दिया, x। यही मेरी सिंपलेस्ट फॉर्म है, यही मेरे आंसर है।
आई थिंक सो आपको अच्छे से क्लियरली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा या सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से उस स्लाइड पे चलते हैं जहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं। चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सिक्स वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें भी देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो हम यहाँ पर एक्स की जगह, मैं आपको ऐसा बता देता हूँ, आप ट्राई करिए और नहीं आता है तो मैं आपको करके बताऊँगा, ठीक है। यहाँ एक्स की जगह हम पुट करेंगे सेक थीटा, पुट करेंगे क्या पुट करेंगे सेक थीटा, ठीक है। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे वन माइनस कोस थीटा को टू साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस कोस एक्स है ना, इसको क्या लिखेंगे, चलो इसको कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ कि कोस एक्स कॉमन लेंगे, अभी सेम क्वेश्चन किया था, कोस एक्स कॉमन लेंगे ऊपर से, कोस एक्स नीचे से कॉमन लेंगे, ये बन जाएगा वन माइनस टेन टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स, वन की जगह टेन पाई बाय फोर, और यहाँ पर टेन एक्स वन यहाँ एज इट इज़, यहाँ पर टेन पाई बाय फोर इंटू टेन एक्स करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगी जाएगा टेन ए प्लस बी का, टेन इनवर्स से टेन खत्म हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको करके बता रहा हूँ, चलिए इसको करते हैं। सेवन्थ वाला क्वेश्चन है ये, चलिए इसमें हम स्लाइड ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, क्वेश्चन नंबर सेवन है ना, क्वेश्चन नंबर सेवन। सो क्वेश्चन नंबर सेवन जो है वो आपके पास क्या है कि टेन इनवर्स, थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा ब्रैकेट, ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस कितना है कॉस एक्स है अपॉन वन प्लस कॉस एक्स है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक बार देख लेते हैं वापस क्या था, बिल्कुल सही है, और ये कंडीशन इसके साथ 100% आती ही एग्ज़ाम में भी आती है, तो इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, है ना, ये कंडीशन डेफिनेटली ऐसी की ऐसी आती है, आपको तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें, क्लियर। चलिए अब अपन सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने आपको बोला था कि टेन इनवर्स एज इट इज़, अब यहाँ रूट में हमने लिख दिया वन माइनस कोस एक्स को टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ लिख दिया टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, टू से टू खत्म, टेन इनवर्स, ठीक है, ये कितना बन जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बन जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू टेन स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा, टेन इनवर्स कितना बन जाएगा टेन एक्स बाई टू, और यहाँ पर कितना हो जाएगा कि आंसर आ जाएगा टेन इनवर्स से टेन ख़त्म, ये एक्स बाई टू, डेफिनेटली ये एक्स बाई टू इस टेन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच में लाइज कर रहा है। तो वो जो क्वेश्चन थे वो कम्प्लीट हो गए, अब आगे क्वेश्चन चलते हैं। देखिए एट्थ क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, वैसे ही करना है आपको, ठीक है। चलिए इन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, ये बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, चलो इसको हम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन थोड़ा चेंज है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। सो टेन इनवर्स क्वेश्चन नंबर नाइन है ना, क्वेश्चन नंबर नाइन टेन इनवर्स क्या दे रखा हमको, एक्स अपॉन रूट ऑफ, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पर हमें, मैंने आपको बताया था कि बेटा यानी कि एक्स स्क्वायर, खैर ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, मैंने ऐसा बताया था कि वन माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हमें एक्स की जगह साइन थीटा पुट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज़ और बता रहा हूँ, सब में यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो हमें ए साइन थीटा या जो भी चीज़ें मैंने बताई वो उसमें ए लगा देंगे साथ में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट करना पड़ेगा। तो देखिए कितना आएगा कि टेन इनवर्स, यहाँ पर लिखा हमने ए साइन थीटा लिखा अपॉन या स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, ए स्क्वायर कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। सो देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको कि टेन इनवर्स हमारा एज इट इज़ है, ऊपर हमने ए साइन थीटा एज इट इज़ लिखा है स्क्वायर रूट में, यहाँ ए स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, ए स्क्वायर यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं, तो वन माइनस कितना बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, तो ये बन गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए स्क्वायर रूट से ए स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो ए बन के आएगा, तो यहाँ पर कितना कर दिया टेन इनवर्स, ये ऊपर ए साइन थीटा अपॉन कितना जाएगा ए, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे
तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ए से ए ख़त्म हो गया है ना, ए से ए ख़त्म हो गया, कितना बन गया आपके पास, टेन थीटा, टेन इनवर्स है ना, टेन इनवर्स ये क्या बन गया, टेन थीटा बन गया, टेन से टेन ख़त्म, यहाँ आ गया हमारे पास थीटा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, थीटा की वैल्यू निकालते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले हम ए को नीचे ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ पर कितना जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए आएगी हमारी थीटा की वैल्यू। सो आंसर विल बी साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, एक्स बाई ए, ये मेरा आंसर होगा, करेक्ट। चलिए, यहाँ पर हम बहुत आसान है ये टेंथ वाले क्वेश्चन में एक्स की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, आप ट्राई करिए। ठीक है, एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह पुट करेंगे हम ए टेन थीटा पुट करेंगे। ठीक है, ए टेन थीटा पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। चलिए, इलेवंथ वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इलेवन ठीक है, क्वेश्चन नंबर इलेवन की बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। तो ये कितना हो गया, टू कॉस, फिर टू साइन इनवर्स, हाफ है ना, क्लोज और क्लोज। तो साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू तो हमें पता है, देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं हम कि टेन इनवर्स है ना, टेन इनवर्स टू कॉस, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया हमने टू, और साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स हाफ किसकी वैल्यू, 30 डिग्री, 30 को हम लिखते हैं पाई बाय 6 से, ये पाई बाय 6 से लिखा तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाय 3 हो गया। तो कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है, ऊपर लिख देते हैं यहाँ, चलो यहीं लिख देते हैं कि टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स 2 इंटू कॉस पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 मतलब कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू किसके बराबर होती है, हाफ के बराबर होती है जी, हाफ, हाफ से आपका दम 10 इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 4, तो आंसर आ गया हमारा पाई बाय 4। क्लियर है, कितना आसान क्वेश्चन है, पाई बाय 4। मैं सोच रहा था कि मेरे स्लाइड कम पड़ेगी लेकिन इनफ है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ये 12th वाला क्वेश्चन कितना आसान है, देखो आप देखते जाइए, इतना फास्ट हो रहा है काम कि जिसकी कोई हद नहीं है ना, कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, तो कोट पाई बाई 2 यहाँ लिख देंगे, कोट पाई बाई 2 तो 0 होता है, आंसर आ गया। ठीक है, कुछ है ही नहीं। हाँ, 13th वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम करेंगे डेफिनेटली और उसको अच्छे से करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं आगे। सो 13 वाले क्वेश्चन के लिए मैं एक पेज और ले लेता हूँ और ये एक्सरसाइज हम आसानी से फिनिश कर देंगे। ठीक है, 13th वाला क्वेश्चन देखिए, चलो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सो देखिए, 10 हाफ और ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था आपको, ये होता है 2 tan inverse x का फॉर्मूला, प्लस ये होता है, ये भी 2 tan inverse y का फॉर्मूला हो जाएगा, तो 2 tan inverse y। देखिए 2 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया हाफ और 2 कॉमन लिया, तो ये बन जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स x, ठीक है, प्लस 10 इनवर्स y। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, अब यहाँ पर 10 बाहर है और 10 इनवर्स अंदर है, तो हम 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा x अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, 10 इनवर्स x, तो 10 इनवर्स कितना हो जाएगा, x प्लस y अपॉन x माइनस 1 माइनस एक्स वाई, तो सॉरी यहाँ पर 10 इनवर्स नहीं होगा, 10 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स से 10 ख़त्म, आंसर आ गया हमारा x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये मेरा आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 हैज़ कंप्लीटेड, देन हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, 13 के बाद, हाँ देखिए 14 और 15 देखते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखिए, 13 मैंने करवा दिया है कि 10 इनवर्स हाफ की वैल्यू, इसको सॉल्व करना था
फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग, तो इसकी वैल्यू आंसर आ गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 14 क्या है, इफ साइन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 है, तो साइन को उधर ट्रांसफर करके इसको सोल्व कर लेंगे, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए तो इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 यही कर देता हूँ, चलो क्वेश्चन नंबर 14 को यही कर देता हूँ, ठीक है। क्या है साइन, क्वेश्चन नंबर 14 लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 साइन और क्या है साइन इनवर्स 1/5 कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ये क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं वापिस, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, यही है माइनस, क्लियर। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। इस साइन इनवर्स को उधर ट्रांसफर, साइन को उधर ट्रांसफर करेंगे तो साइन इनवर्स बनेगा, तो ये लिख दिया हमने साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स कितना हो गया साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू किसके बराबर होती है, पाई बाई टू होती है, सो ये पाई बाई टू हमने लिख दिया, ठीक है। और ये साइन इनवर्स कितना कर दिया 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स कर दिया। चलिए इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू है ना पाई बाई टू माइनस कितना जाएगा साइन इनवर्स 1/5, ठीक है। सो कोस इनवर्स बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हम इसको लिख सकते हैं, कोस इनवर्स 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। कोस इनवर्स से कोस इनवर्स ख़त्म, एक्स की वैल्यू 1/5। हमें क्या फाइंड आउट करना था, वैल्यू फाइंड आउट करना था, है ना, तो हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है। देखो 14 मैंने करवा दिया, 15 बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे और सोल्व करेंगे। यदि आपको नहीं आएगा तो मैं आपको करवा दूंगा, यदि आपने कमेंट सेक्शन में लिखा तो, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कितना कौन सा था 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 16 क्वेश्चन है, देखिए 16 क्वेश्चन आपके पास क्या है, साइन इनवर्स साइन 2π/3। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए 2π/3, ये साइन इनवर्स साइन से कब खत्म हो जाएगा, जब 2π/3 उसके प्रिंसिपल ब्रांच में होगा, है या नहीं, नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इसे चेंज करना पड़ेगा। तो ये 16 वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, देखिए, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज कैसे करेंगे, साइन इनवर्स और ये साइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाय थ्री लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा, तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पाई बाय थ्री इज आंसर, क्लियर। इस 16 का आंसर इसी तरीके से आ गया। यदि आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब 18 क्वेश्चन को देखिए, 18 क्वेश्चन को देखने से हमें क्या पता चल रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बहुत आसान है वैसे तो, चलो मैं करवा देता हूँ 18 वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि टेन है ना टेन साइन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका कंसेप्ट बताऊँगा मैं, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो कॉट इनवर्स 3/2, एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ बेटा कि जब कभी भी हमें कुछ भी इनवर्स फंक्शन दे रखा होता है उसको हम टेन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हम उसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाकर उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए कॉट को तो मैं कर सकता हूँ, तो मैंने क्या कर दिया कि देखिए टेन और यहाँ पर इसको साइन इनवर्स है ना 3/5 ही लिखा, और इसको मैं लिख सकता हूँ आसानी से टेन इनवर्स 2/3, ठीक है। अब देखिए बाहर टेन है तो अंडर टेन इनवर्स लाना है, तो यदि मैं इसको टेन में कन्वर्ट कर पाया तो हम क्या कर देंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो इसको हम लेट करते हैं, लेट करते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 को हमने
वाई लेट कर लिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन वाई। ये क्या है, ये एक टेक्निक है किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चेंज करने का एक फॉर्मूला, एक मेथड है। तो देखिए ये हमारे पास कितना हो जाएगा, एंगल वाई हो जाएगा, ठीक है। और ये पीबीपी और एचएचबी वाला मेथड, पीबीपी अपॉन एचएचबी वाला मेथड। तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इसका 3 है और हाइपोटेन्यूज इसका 4 है, तो कितना हो जाएगा कि बेस कितना हो जाएगा, 16 - 9 कितना हो जाएगा, 16 - 9 कितना होगा, 7 7 तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 आ जाएगा, ठीक है। 16 - 9 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ठीक है, बिल्कुल सही है। तो रूट 7 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, 10 में कन्वर्ट करना है इसको, 10 में कन्वर्ट करना मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10y की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 10y की वैल्यू की परपेंडिकुलर तो ये है 3 और बेस है आपका रूट 7, तो यहाँ पर y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, y की वैल्यू आ गई है कि 10 इनवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा 3/√7। सो देखिए साइन इनवर्स को हमने कन्वर्ट कर दिया 10 के अंदर, सो क्या आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक है, 3/5 सॉरी यहाँ एक गलती हुई है, यहाँ पर गलती ये हुई है कि 5 है ये, 4 नहीं है, है ना, 5 है बस, यहाँ गलती हो गई। तो 25 - 3 कितना हो जाएगा, 16, तो ये भाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये रूट का चक्कर नहीं पड़ेगा, तो रूट का चक्कर नहीं पड़ेगा तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। ये 4 हो गया और यहाँ पर भी यहाँ मिटाना पड़ेगा, यहाँ 4 हो जाएगा, करेक्ट, कहीं मुझे गड़बड़ तो लग रही थी, चलिए 4 हो गया। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 को हमने लिख दिया 10 इनवर्स 3/4, तो यहाँ लिख दिया हमने 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 2/3। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y का, तो 10 बाहर, ये हो जाएगा 10, ठीक है, ये हो गया आपके पास 3/4 + 2/3 डिवाइड बाय 1 - 3/4 × 2/3। इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 इनवर्स 10 से ख़त्म हो जाएगा, केवल इसी को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके आसानी से हम आंसर निकाल सकते हैं, तो चलिए करते हैं। एलसीएम आएगा 12, 12 एलसीएम आएगा ऊपर वाले का, तो 12 एलसीएम आया, तो ये आ जाएगा आपके पास 9 प्लस, ठीक है, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8 डिवाइड बाय, यहाँ पर कितना जाएगा ये 12 - 6 डिवाइड बाय 12, 12 से 12 ख़त्म, तो ये आंसर आएगा हमारे 8 × 8 = 16, 17, तो 17 डिवाइड बाय ये कितना हो गया 6, 17/6 इज माय आंसर, करेक्ट करेक्ट। तो ये हमने 18th वाला क्वेश्चन भी कर लिया। अब आप आसानी से ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कर सकते थे, 7π/6, 7π/6 कोस की रेंज में नहीं आता, क्योंकि 7π/6 का मतलब कितना होता है, 7π/6 का मतलब कितना होता है बताओ, 7π/6 तो ये 30 मतलब 210 डिग्री, 210 डिग्री किसकी प्रिंसिपल ब्रांच में आता है, ये तो कोस की प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करेंगे, चेंज करेंगे देखिए, कोस इनवर्स कोस कितना कर दिया, π + π/6 कर सकते हैं क्या, 7π/6 को ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कर दिया, कोस इनवर्स यहाँ पर कोस है ना, π + π/6 ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये नेगेटिव आएगा, ये π/6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोस इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, π - समथिंग होता है, तो आंसर आएगा π - π/6 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 5π/6 आंसर इसका, 5π/6 इसका आंसर। यदि समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा पूरा, पूरा कराने की कोई जरूरत भी नहीं है। देखिए बेटा कोस इनवर्स ये एक्स मान लिया, तो कोस इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, π - cos−1x, कोस इनवर्स कोस से खत्म होगा, π/6 आ जाएगा, π - π/6 5π/6 आसानी से आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान है। देखिए ये साइन लिखा हमने और ये π/3 है, ठीक है। अब देखिए ये हाफ है, हाफ किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री, 30 मतलब π/6, तो −± प्लस हो जाएगा, π/6 आ जाएगा, π/6। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा,
एलसीएम इसका कितना आएगा 6, तो 3 2 6 3 plus 1 3 3 pi by 2 आंसर है, pi by 2, तो pi by 2 में sin pi by 2 कितना होता है, sin pi by 2 कितना होता है 1 होता है, ये डी आंसर है इसका, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6 2 2 plus 1 3 3 pi by 6, तो pi by 2 मतलब कितना जाएगा 1 हो गया, ठीक है। अब इसको देख ही लीजिए, ये बहुत आसान है, 10 root 3 किसके वैल्यू होती है, ये होती है हमारे पास पाई बाय 3 की वैल्यू होती है, ठीक है। और कोट माइनस है, कोट माइनस है तो कहाँ पर करना पड़ेगा, पाई माइनस करना पड़ेगा इसको, कोट पाई माइनस। अब कोट रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री होती है, तो 30 को क्या लिखेंगे, पाई बाय 6 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा देखिए, पाई बाय 3 माइनस पाई और प्लस पाई बाय 6, ठीक है। इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर करवा देता हूँ, थोड़ा यहाँ करवा देता हूँ, सिंपल है, तो मेरा क्या स्लाइड बच जाएगी, और यहाँ कर देते हैं इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। सो एलसीएम कितना आएगा इसका, इसका है 6 एलसीएम, यहाँ 2 पाई माइनस 6 पाई, और यहाँ पर कितना जाएगा पाई, तो कितना हो गया यहाँ पर, ये 3 पाई और माइनस 3 पाई आ गया, माइनस 3 पाई बाय 6, तो माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 इज़ करेक्ट आंसर, माइनस पाई बाय 2 इज़ करेक्ट आंसर। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम मिसलेनियस, ये मैंने आपको करवा दिया है कंप्लीट, ठीक है, ये वाला इसका सॉल्यूशन करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम मिसलेनियस के एग्जांपल्स कर रहे हैं, मिसलेनियस के एग्जांपल देखिए, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, ठीक है, लेकिन ये सोल्व करता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, सॉल्यूशन। चलिए क्या है आपके पास, साइन इनवर्स, ठीक है, साइन 3π/5, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, आंसर लिख देते 3π/5 इज रॉन्ग, ये 3π/5 नहीं होगा इसका आंसर, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3π/5 इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं आता है, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में लाना पड़ेगा इसको। तो साइन इनवर्स क्या कर सकते हैं अपन, साइन ये कर दिया हमने 2π minus 2π by 5 ऐसा कर दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर आपने ऐसा कैसे कर लिया, तो भाई कुछ भी नहीं है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये 3π है तो पाई 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो बिल्कुल तरीका इस तरीके से देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स, साइन ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है, तो क्या आ जाएगा, साइन 2π/5 आ गया, तो आंसर आ जाएगा देखिए 2π/5, क्यों आएगा, क्योंकि पाई बाय फाइव मतलब 180 डिवाइड बाय 5 कितना होगा, 5 1 जा 5 5 3 जा 15, और कितना 36 into 2 इसका 72 तो उसकी प्रिंसिपल ब्रांच में डेफिनेटली आता है, इसलिए आंसर आ गया, ठीक है। अब चलिए अपन सॉल्व करते हैं इस एग्जांपल नंबर 10 को, इस एग्जांपल नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना, इसमें तो हम क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देते हैं साइन इनवर्स एक्स, है ना, और माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन भारी है लेकिन हम कर लेंगे। साइन इनवर्स एक्स देखिए, बता देता हूँ मैं, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला है वो है साइन इनवर्स, है ना, एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, देखिए तो यहाँ पर आएगा हमारा साइन इनवर्स पर लिख दिया, ठीक है, एक्स का मतलब है यहाँ पर 3/5 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर माइनस वाई मतलब 8/17 और स्क्वायर रूट ऑफ कितना जाएगा 1 minus 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व कर रहे हैं, साइन इनवर्स ये 3 अपॉन
फाइव इंटू, देखिए इसको लिखा हमने स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस 64 डिवाइड बाय 17 का होल स्क्वायर 289, 289 ही होता है क्या? देखिए 17 का होल स्क्वायर करेंगे, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49 है ना, 49 तो 4 7 और 119, फिर ये 7 और ये कितना 1, तो ये कितना हो गया 9, ये 8, 289 परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये 289 हमारा क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। फिर यहाँ पर देखते हैं माइनस माइनस 8 अपॉन माइनस 8 अपॉन माइनस 8 अपॉन 17 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कितना आ जाएगा 9 अपॉन 25, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए साइन इनवर्स, ठीक है, 3 अपॉन 5 इंटू 289 में से 64 को माइनस करो, एलसीएम लेंगे ना, तो लिख लेता हूँ, चलो एक बार लिख लेता हूँ, 289 माइनस 64 अपॉन 289, ठीक है, माइनस 8 बाय 17 स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 9 अपॉन 25, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं साइन इनवर्स, ठीक है, ये 3 अपॉन कितना आगे कर दिया 5 इंटू, अब 289 में से 64, 289 माइनस 64, देखिए बेटा मेरी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है, 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 और ये 2 और ये कितना जाएगा 225, अब 225 का स्क्वायर रूट तो कितना होता है 15 होता है, तो 15 अपॉन कितना जाएगा 17 माइनस ये 8 बाय 17 इंटू यहाँ पर कितना 25, तो ये 16 आएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 अपॉन कितना जाएगा 25, वाओ जोरदार, ठीक है। 25 क्यों आएगा भाई, 5 आएगा ना, क्या करते हो तुम लोग भी, है ना, तो ये 5 आएगा, ठीक है। तो देखो एलसीएम तो सेम आ रहा है, तो एलसीएम सेम है तो कितना आ जाएगा ये 15, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि साइन इनवर्स ये 15 थ्रीजा, 15 थ्रीजा कितना होगा 15 45, 45 होगा, ठीक है, ये 45, तो ये 45 माइनस 8 6 32 32 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 5 इंटू 17। इसको हम लिखेंगे, आगे ले लेते हैं एक स्लाइड और ले लेते हैं, ठीक है, एक स्लाइड और ले लेते हैं। तो ये क्या था, ये था हमारा 45 में से 32 को माइनस करेंगे 32 और 8 8 5 13 13 आ जाएगा 13 अपॉन 5 बाय 5 इंटू 17, तो ये आ गया साइन साइन इनवर्स ही था ना, साइन इनवर्स 13 बाय 5 इंटू 17। लेकिन ये तो मेरे को आंसर नहीं लाना है, मुझे तो आंसर किस में लाना है, कॉस में लाना है, आई थिंक सो, देखो कॉस में लाना है, कॉस में प्रूव करना है, कॉस इनवर्स 84 अपॉन 85, वेरी गुड यार, जोरदार। और इसको कैसा करेंगे, चलो करते हैं यार, चिंता मत करो, तो 17 5 85, तो इसको ऐसा लिख देते हैं अपन कि साइन इनवर्स ऐसे कितना आ जाएगा 13 अपॉन 85 आ गया। मैंने आपको क्या बोला था, अभी एक चीज़ बोली थी मैंने आपको कि कभी भी किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में को किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कन्वर्ट करना है उसको वाई के बराबर लेट करो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 13 बाय 85 इज इक्वल टू कितना कर दिया साइन वाई कर दिया, एक ट्रायंगल बनाओ, ये एंगल लिखो वाई, यहाँ पर पीबीपी और एचएचबी वाला कंसेप्ट लिखो, पीबीपी अपॉन एचएचबी, यही टेक्निक है, बाकी और टेक्निक नहीं है दुनिया में। तो परपेंडिकुलर इसका हो गया 13 और हाइपोटेनस हो गया इसका 85, 85 का होल स्क्वायर करो भाई, है ना, 85 का होल स्क्वायर करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, तो 85 का होल स्क्वायर करते हैं, तो 85 फाइव फाइव जो 25 और ये 2 40 और 2 42, ठीक है, ये 40 2 4 आ गया 64 और 64 और 4 70, ठीक है, 5 2 4 7 7 4 2 5 में से 169 को माइनस करेंगे, 169 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 9 6 15, तो ये 16 आ जाएगा, ये 16, ठीक है, ये 7 8 9 10 11 12 5 आ गया, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2, तो 2 आ गया,
तो 7 to 8, 6, 8, 7 to 5, 6 तो 7 to 5, 6 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या 81 होगा? नहीं, 81 तो नहीं होगा किसी हालत में। चेक करिए क्या प्रूव करना है हमको। 84 होगा, बिल्कुल बिल्कुल 84 होगा, बिल्कुल इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। ये 84 आ गया। तो देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना, कॉस में कन्वर्ट करना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो कॉस है ना, कॉस वाई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, बेस 84 डिवाइड बाई कितना जाएगा, 85। कुल मिला के वाई की जो वैल्यू है वो कॉस इनवर्स किसके बराबर आ गई, 84 अपॉन, ठीक है, 85 आ गई। यही तो प्रूव करना था। देखो यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, तो कॉस है ना, कॉस इनवर्स 84 डिवाइड बाय 85, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अच्छे क्वेश्चन है। अब इसमें भी क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन में भी साइन को 10 में कन्वर्ट करो, कोस को 10 में कन्वर्ट करो और 10 में फॉर्मूला लगाओ, इसको सोल्व करो। तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है, कि मैं करवाऊँ, बोलिए, करवा दूँ मैं, कर सकते हैं आसानी से? चलो मैं करवा देता हूँ यार, क्या दिक्कत है, कर लेते हैं। चलो साइन इसको हम लेट करेंगे, इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। लेट क्या किया कि साइन इनवर्स 12 अपॉन 13 को हमने एक्स मान लिया, और कॉस इनवर्स 4 अपॉन 5 को हमने वाई मान लिया। यहाँ से देखिए कि 12 अपॉन 13 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, यहाँ पर 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू कॉस वाई आ जाएगा। दो एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये एक्स वाला ट्रायंगल है, ये वाई वाला ट्रायंगल है, ठीक है, और परपेंडिकुलर अपॉन ये PBP अपॉन HHB वाला कंसेप्ट लिख देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, यदि हम भूल भी जाते हैं तो याद आ जाता है, HHB रटना नहीं पड़ता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा 12 है, हाइपोटेनस 13 है, तो 169 माइनस 144 25, तो ये 5 आ जाएगा, तो ट्रिपलेट है, इसको तो याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये भी ट्रिपलेट है। तो कॉस बेस यहाँ आपका 4 है, बेस यहाँ पर कितना है आपका, बेस है 4, इसको मिटा दिया जाए। चल ये ट्रायंगल है वाई वाला, ठीक है, वाई बेस कितना है इसका, 4 है, हाइपोटेनस कितना है इसका, 5 है, तो 25 माइनस 16 तो 9 आएगा, तो ये 3 आ जाएगा, ये भी ट्रिपलेट से। चलिए हम 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 10 की वैल्यू लिख रहा हूँ डायरेक्ट, तो 10 इनवर्स कितना आएगा, 10 इनवर्स अब तो लिखने की ज़रूरत नहीं आपको, 10 इनवर्स का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा क्या है 12 और बेस कितना है 5, प्लस कितना हो जाएगा 10 इनवर्स यहाँ पर कितना आएगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3 बाई कितना जाएगा 4, प्लस कितना आ जाएगा 10 इनवर्स है ना 63 डिवाइड बाय कितना जाएगा 16 को हमें प्रूव करना है पाई के बराबर। तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे हम 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला, तो 10 इनवर्स x की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन 5 प्लस 3 बाय 4 अपॉन 1 माइनस 12 अपॉन 5 इंटू 3 बाय 4। केवल ये गधा मजदूरी करवा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है ना, तो आपको करनी तो पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो ये 63 अपॉन कितना जाएगा 16, इसको सोल्व करेंगे, तो देखिए इधर आ जाते हैं सोल्व करने के लिए। सो ऊपर आएगा हमारा 10 इनवर्स ऊपर हम लिखेंगे एलसीएम 20, तो ये कितना जाएगा 5 4 20 48 तो यहाँ आ गया, ठीक है, और भारतीय 36 यहाँ जाएगा, ठीक है 36 आ गया, 15 आएगा बेटा, 15 36 कहाँ से आएगा, ठीक है। क्या किया, 20 को 4 से डिवाइड करें तो 5 3 15, तो ये 15 ऊपर आ गया, ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस, यानी कि 20 माइनस हम कर देंगे डायरेक्ट भारतीय 36 डिवाइड बाय कितना हो गया 20, तो 20 से 20 ख़त्म, प्लस हमने लिखा 10 इनवर्स 63 डिवाइड बाय 16। तो देखो तो कितना आएगा 10 इनवर्स
कितना हो गया, ये 63 है ना, ऊपर 63 है, नीचे है ये कितना आ गया, माइनस 16 आ गया, प्लस कितना हो गया, 10 इनवर्स 63 अपॉन 16। तो देखो ये माइनस 10 इनवर्स माइनस थीटा कितना होता है, माइनस 10 इनवर्स थीटा होता है, तो ये माइनस कितना जाएगा, 10 इनवर्स कितना हो गया 63 डिवाइड बाय 16 प्लस 10 इनवर्स कितना आ गया, 10 इनवर्स 63 डिवाइड बाय 16। अब यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स सॉरी 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये जाएगा 10 इनवर्स, ठीक है, एक्स का मतलब ये 63 अपॉन, ठीक है, 63 अपॉन 16, 63 अपॉन 16, तो ये 63 अपॉन 16 माइनस 63 अपॉन 16 डिवाइड बाय 1 माइनस 63 अपॉन 61 प्लस सॉरी और 63 अपॉन 16। तो देखिए जीरो बन गया ऊपर, जीरो समथिंग डिवाइड बाय जीरो, तो कितना आ जाएगा 10 इनवर्स कितना आ जाएगा जीरो, तो 10 इनवर्स वन जीरो की वैल्यू जीरो भी होती है और पाई भी होती है, तो ये पाई प्रूव हो गया, ठीक है, पाई प्रूव करना था, पाई प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको हमें करना आना चाहिए, सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है। इफ़ वन ए अपॉन बी 10x इज ग्रेटर देन माइनस 1 है, चलो इसको करते हैं हम सॉल्यूशन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, 10 इनवर्स ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, कॉस कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले ऊपर से, तो क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बाहर 10 इनवर्स है तो अंदर 10 लाना है, तो हमने क्या कर दिया कि इसमें से कॉस कॉमन लिया ऊपर साइड में से, तो क्या दिया ए माइनस बी 10x आ गया डिवाइड बाय, नीचे भी हम क्या करेंगे कॉस कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा बी प्लस, बी प्लस कितना हो जाएगा ए 10x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस तो कॉस ख़त्म हो गया, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी गई नहीं है, चेंज नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे इसको, इसको ऐसा लिख देते हैं 10 इनवर्स, देखिए इसमें से हम क्या करते हैं कि a माइनस बी 10x है और b प्लस a 10x है, तो इसको भी हम कॉमन लेते हैं, इसको 1 बनाना पड़ेगा, तो हम पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं b कॉमन लें ऊपर अंदर से और ये ab, ab कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो ये ab कॉमन लिया फॉर एग्जांपल, तो ab कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ ab कॉमन लिया तो यहाँ पर a और ये b, दो मिनट इसको और सोचते हैं, इसका इसको लिख लेते हैं पहले, यानी कि ये हो गया a माइनस बी 10x अपॉन बी प्लस ए 10x, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि 10 इसको चलो इसमें क्या करते हैं a और ये b, ये b और a, 10 इनवर्स x, एक सोचिए एक कंसेप्ट लगाते हैं, यदि मैं क्या करता हूँ कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 10 इनवर्स, ठीक है, 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि 10 a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है कि 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 a 10 b, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इसको 1 बना देते हैं, इसको क्या करते हैं 1 बना देते हैं, नीचे वाले को 1 बना देते हैं, तो b कॉमन ले लेते हैं, b कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, b a अपॉन b आएगा ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा b कॉमन लेना पड़ेगा, चलो b कॉमन ले लेते हैं इसमें से, और यहाँ पर भी b कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 10 इनवर्स, वो थोड़ा ट्रिकी है, तो b कॉमन लिया तो यहाँ पर बनेगा a अपॉन b माइनस यहाँ पर बनेगा 10x अपॉन, यहाँ पर भी b वन कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस ab अपॉन कितना जाएगा
10x बनेगा। ठीक है, अब देखो b से b कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह की ज़रूरत है। अब इसको लिखना है, थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि टफ चीज़ है ये। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस a अपॉन b को मेरे को क्या करना है कि ये a और b की फॉर्म में लिखना है। तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ क्या कि tan इनवर्स, और यहाँ पर हमने लिखा tan, ठीक है, ये लिखा हमने tan inverse a x a upon b, ये a upon b माइनस x लिखा जा सकता है क्या, तो इससे क्या आएगा tan a upon b आना चाहिए, tan x upon 1 माइनस tan a tan b आना चाहिए। तो इसको थोड़ा और तरीके से लिखूं मैं, तो tan inverse, चलिए इसको इस तरीके से लिखते हैं तो समझ में आएगा। चलो रुको दो मिनट। सो tan inverse इसको मैं ऐसा लिखा हूं कि tan inverse a upon b, कोई प्रॉब्लम, माइनस इसको लिख दिया tan x अपॉन, इसको मैंने 1 का 1 लिखा, प्लस यहां पर लिख दिया tan inverse a upon b और tan x लिखा। अब देखिए कितना शानदार बन गया काम। ठीक है, अब इसको देखो, ये बन गया फॉर्मूला tan a, ये a है, ये b है, ये tan a tan b है, तो कितना जाएगा, tan इनवर्स बाहर लिखा हमने और यहाँ पर लिखा हमने tan, ठीक है, और यहाँ लिख दिया हमने tan इनवर्स a upon b माइनस x। ठीक है, tan इनवर्स से tan खत्म, आंसर आ गया इसका tan इनवर्स a upon b माइनस, ठीक है, x, ये मेरा आंसर है, ये सिंप्लीफाई है, HP तो नहीं है, आंसर है ये। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, फिर से बता देता हूँ एक बार, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो, कुछ भी नहीं है, सिंपल है कि सबसे पहले हमने क्या किया, कॉस का कॉमन लेके इस तरीके की कंडीशन बना दी। मुझे क्या करना है कि यहाँ से बी कॉमन लिया, तो बी नीचे से भी कॉमन लिया तो ये बन गया। अब इसको मैंने लिखा tan inverse a upon b, इधर भी सेम लिखा, ये पूरा लिख के इसको बना दिया हमने, फॉर्म सोल्व करके लिख दिया। ठीक है, यदि कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं वापस बना के बताऊँ। चलिए, तो ये 12th क्वेश्चन तक हमने कर लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।